योगी 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 मैं आगे की आज की कार्रवाई शुरू करो। हम सब के बीच में जिस घड़ी का जिस शख्सियत का इंतजार था वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर निवासियों की तरफ से और विशेष करके कठुआ निवासियों की तरफ से आदरणीय योगीराज जी महाराज का इस कठुआ की पवन धरती पर स्वागत करता हूं और मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने अपने योग में जीवन से अमूल्य समय निकालकर आपने राजनीति में प्रवेश किया। ये मैं नहीं, ईश्वर की आज्ञा है। वेदों में ईश्वर ने कहा कि योगी का धर्म है, योगी का कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। योगी का कर्तव्य है कि अगर शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े राष्ट्र और समाज के लिए तो योगी का यही कर्तव्य है। योगी जी का ये भी कर्तव्य है कि अगर देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण के लिए अगर राजनीति में प्रवेश करना पड़े तो वो कर्तव्य भी योगी जी का है। और ऐसे योगी महाराज हमारे बीच में इस कठुआ की धरती पर पहली बार आए हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, आगे वालों से, पीछे वालों से, की तारीफ के गड़गड़ाहट से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय योगी जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय हमारे सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को डोगरा पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी से कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। बचौली के जिलाध्यक्ष दर्शन जी, मेरा निवेदन रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष रविंदर हैदरा जी को डोगरी पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। मैं क्योंकि समय बहुत कम है, मैं अपने सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले आज माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं, तो एक वाक्य शेयर मैं निवेदन करूंगा कि जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी मंच पर आए अपने स्वागत भाषण के लिए। धन्यवाद राजीव जी। आज का ये दिन मुझे लगता है कि कठुआ की धरती के लिए और स्पेशली मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जिला प्रमुख होने के नाते आज बहुत बड़ा क्षण जो है मेरे जीवन के और आज सभी कठुआ के निवासियों के लिए है। मुझे पार्टी की तरफ से आदरणीय योगी जी का आदर मान सम्मान के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए मुझे यह मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को और कठुआ के जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी मातृशक्ति और जितने भी नौजवान साथी, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत स्वागत हम लोग करते हैं। उनके साथ हमारे यहाँ के सांसद एवं तीसरी बार हमारे यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एक बार इनका भी हम लोग यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंदर रैना साहब, जिनकी वजह से आज ये पूरा जनसमूह जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से आज ये सारा पंडाल और पूरा कठुआ यहाँ पर आया हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत स्वागत हम लोग करते हैं। आदरणीय अशोक जी का और मंच पर जितने भी हमारे सभी बड़े नेतागण, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी कठुआ निवासी जहाँ पर आए हुए मातृशक्ति नौजवान साथी, मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग इस क्षण का, इस पल का इंतजार कर रहे थे। सड़कों पे भी लोग हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पर और आदरणीय योगी जी पर यह जनता जो है बहुत बड़ा विश्वास करती है। एक बार फिर से पुनः मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कठुआ की धरती पर यहाँ पर पहुंचे, एक बार बहुत बहुत
सरदार जय हिंद जय भारत। माननीय हमारे प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूं। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मैं एक वाक्य बताना चाहता हूं कि जब हम 14 में चुनाव में थे तो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे को लगता है कि कठुआ के लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमारे पक्ष में है। तो इन्होंने तब एक वादा किया था कि अगर कठुआ ने मन बनाया है तो कोई ताकत नहीं कि हमें कहीं यहां से जिता कर ना भेजे। मगर इन्होंने कहा है, अगर कठुआ ने मन बनाया है, मेरा वादा है कि कठुआ न्यूक्लियस रहेगा। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में माननीय मुख्यमंत्री साहब, डॉक्टर साहब ने हमें मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें शापरकंडी देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देने का काम किया, विशेष रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे कार्य किए हैं। ऐसे डॉक्टर साहब को जब मैं आमंत्रित करूं, मैं एक नारा लगाऊंगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कठुआ की इस पावन धरती पर, शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि पर, सावा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह की कर्म भूमि पर, हिंदुस्तान के मकबूल तरीन नेता, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हम सबके दिलों की धड़कन माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का मैं नमन करके, प्रणाम करके, सिद्धता करके स्वागत करता हूं। अपनी तरफ से, कठुआ वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मुझे आपके आगे व्यक्तिगत आभार प्रकट करना है। मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, उत्तर प्रदेश में भी पहले फेज का चुनाव है, आपका समय वहां भी मांगा जा रहा है, लेकिन इन सब कठुआ वासियों के आग्रह पर मेरे मात्र एक फोन कॉल करने पर आपने अपनी स्वीकृति दी, इसका आभार हम बड़े लंबे समय तक याद रखेंगे, हम ऋणी रहेंगे। महाराज जी, कठुआ की ये नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। कठुआ का इतिहास भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और दूसरी ओर आजाद हिंदुस्तान के इतिहास के साथ ओतप्रोत है। जिस स्थान पर हम इस समय बैठे हैं, जिस समाधान पर आप विराजमान हैं, इससे कुछ ही मील की दूरी पर लगभग 70 वर्ष पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक प्रधान, एक विधान का आह्वान करके अपनी गिरफ्तारी दी थी और फिर गिरफ्तारी में ही उनका स्वर्गवास भी हो गया। डॉक्टर मुखर्जी की इस कुर्बानी ने राष्ट्रवाद की जो ज्वाला प्रज्वलित की, वो आगे चल करके भारतीय जनसंघ के दिए की रोशनी बनी और उसी ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को जन्म दिया। और इसीलिए 60-70 वर्ष कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलों की सरकारें इस क्षेत्र की उपेक्षा करती रही, ये वंचित रहा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर हमारी राष्ट्रीय शाहपुर कंडी परियोजना थी सिंचाई की, जिसके द्वारा हमें अपने हिस्से का दरियाए रावी का पानी नसीब होना था, उसको भी रोक दिया गया। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक नया अध्याय आरंभ हुआ और आज 10 वर्ष के बाद इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देश की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिना जा रहा है। ये शायद मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें केंद्र के सहयोग से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एशिया की सबसे लंबी रोड की सुरंग जरेली नाचरी भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोनों वंदे भारत, अनेकों नेशनल हाईवे,
पावर प्रोजेक्ट, ये सब पिछले 10 वर्षों में हुआ और ये इसलिए संभव हुआ कि हम पर मोदी जी का आशीर्वाद था। कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो हमारी अवहेलना हुई थी उसकी पूर्ति इन 10 वर्षों में हुई है और ये तभी संभव हुआ कि मोदी जी का आशीर्वाद था। और महाराज जी, आज आपके चरण यहां पड़ने से मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ हमें योगी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। योगी जी यहां के लोगों में महाराज जी के प्रति एक अजीबोगरीब किस्म की श्रद्धा है, वो आपको एक आदर्श मानते हैं और जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है उसका अक्सर उदाहरण देते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है उसका उदाहरण देकर के उल्लेख करती हैं। और जहां पर मोदी जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 10 वर्ष के अंदर 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट निर्माण किए, वहां महाराज जी आपने उत्तर प्रदेश में उन टॉयलेट्स को इज्जत घर का नाम दिया और महिला को सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य और सम्मान भी दिया। और यही कारण है कि नारी शक्ति में मोदी जी को लेकर के, योगी जी को लेकर के एक अद्भुत उत्साह है। ये लोग विशाल संख्या में ये जहां आप देख रहे हैं, ये सुबह से यहां बैठे हैं, आपके दर्शन को व्याकुल है, आपके बोल सुनने को बेचैन है। मुझे अधिकार नहीं मैं इस मंच पर बहुत देर तक खड़ा रहूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरे मान के साथ महाराज जी आपको आपके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई, मैं निवेदन करूंगा माननीय योगी जी को जय। भारत माता की, भारत माता की, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की, परफानी बाबा की, माता त्रिपुर सुंदरी की, माता त्रिपुर सुंदरी की, शुक्राला माता की, शुक्राला माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और देश की प्रतिष्ठित उधमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर डीके मनाल जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजीव जसरोटिया जी, सुनील सेठी जी, जिला प्रभारी मुनीश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कठुआ से आए हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज इस पावन धरा को जो हमारे सभी आराध्य देवों के साथ ही ऋषि मुनियों की साधना की पवित्र भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले
उन हुतात्माओं की भूमि है, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी की भूमि है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल से ही बासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हुई है। जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व हमारा यह सनातन समाज वर्ष में दो बार आदिशक्ति मां भगवती की उपासना करता है। याद करिए, ये शक्ति सृजन का अवसर होता है और ये नौ दिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए उसी शक्ति को अर्चित करने का एक अवसर है। मैं इस अवसर पर यहां की इन पवित्र स्थलों को माता त्रिपुर सुंदरी के पावन चरणों पर, यहां के शुक्राला माता के श्री चरणों में और माता वैष्णो के इस धाम को कोटि कोटि नमन करता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह को भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के वे नारे एक बार फिर से गूंजते हुए दिखाई देते हैं कि जहां बलिदान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर यही इन्हीं वादियों में नारे गूंजे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था और बहनों और भाइयों, 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है, आज आप देख रहे होंगे 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का संजाल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पूछिए इन लोगों से, जो लोग इस देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं, कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आखिर हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना और वह धर्म माना राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई भी आस्था होगी, कोई भी उपासना विधि होगी, लेकिन अगर वह राष्ट्र के मार्ग में बाधक है
मैं इसको दरकिनार करके रखता हूं और पहले कहता हूं कि मेरा देश रहना चाहिए, मेरे ने मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश की संप्रभुता और इसकी अखंडता सर्वोपरि रखती है। और इसीलिए आज न केवल भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, अभी तो बहनों और भाइयों आप देख रहे होंगे, अन्य दिनों में तो आप छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना कालखंड में पहली बार आपने देखा होगा भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यानी दो दो ऐसे वैक्सीन दिए जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की अचूक दवा है, अचूक दवा। आपने देखा होगा सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट। 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया। और बहनों और भाइयों, चार वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा और अगले 5 वर्ष तक ये राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को, ये जो नया भारत है बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है, दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, बेहतरीन माहौल में भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। और यही नहीं, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखने के साथ ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। आप देखते होंगे न केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत के अंदर भी आप देखते होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को जनधन के अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, 10 करोड़ परिवारों को फ्री में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के लिए
प्रधानमंत्री आवास योजना भी बने हैं और 2.5 करोड़ घरों तक पहली बार बिजली पहुंचाने का काम भी हुआ है। इस प्रकार के अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज पिछले 10 वर्ष में उस कैबिनेट ने और उस सरकार ने किए हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और आपके सांसद उस सरकार के अभिन्न हिस्से हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस सरकार के हिस्से हैं। वह सरकार आज गरीब कल्याण का कार्य भी कर रही है। और तो और कितना परिवर्तन आया है। इससे पहले लोग अपने आप को हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। और बहनों और भाइयों, अयोध्या का नाम लेने पे तो लोग डरते थे। मुझे याद है जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या चला गया। लोगों ने कहा रे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा रे क्यों। कहा कि अयोध्या जाने से आपको मालूम है तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी आस्था के साथ और जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर दूं क्या। ये वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता है। हमने कहा अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारी करो। और बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त तो हो जाता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती क्या। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा। अयोध्या में लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या यहां उतर आया है, साक्षात उतर आया है। जब अच्छी सरकार आती है तो यही होता है। अच्छी सरकार आती है यही होता है। काशी में आप जाइए, काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। लोग बोलते थे काशी विश्वनाथ धाम संकरी गली थी, बामुश्किल 5 लोग जा पाते थे। आज 50,000 श्रद्धालु भी एक समय वहां आ जाए मंदिर परिसर में, कोई समस्या नहीं है। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए यह कार्य भी आज देखने को मिल रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, जीविका की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए यह कार्य भी आज देश के अंदर बखूबी आगे बढ़ रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, हमें सुरक्षा भी करनी है और देश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक भी लेके चलना है। इस पर जो कार्य वर्तमान में हो रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा देश इस बात को जानता है। आपने देखा होगा यह देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, देश उत्साह के साथ जुड़ा हुआ था और उत्साह को और दुगना कर दिया था जब जो ब्रिटेन लगभग 200 वर्षों तक जिस भारत पे शासन किया था उस ब्रिटेन को पछाड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और आज तो हम इसीलिए आए हैं। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास अपनी बात कहने के लिए। कोई जाति की बात करेगा, कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई भाषा की बात करेगा, कोई किसी अन्य बात की बात करेगा। हमें किसी बात में नहीं पूछना है, बहुत खोया है। अब पाने का समय आया है, अपने देश को मजबूत करने का समय आया है। कठुआ को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके
अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए उज्ज्वल भविष्य देना है और इसके लिए आवश्यक है जो कार्य यहां पे पिछले 10 वर्ष के अंदर मैं सचमुच चौंका था जब मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा था यहां का विकास किस तरीके से कोई सोचता था यहां भी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा यहां भी मेडिकल कॉलेज बनेंगे यहां पे प्रौद्योगिकी संस्थान बनेंगे यहां पे कुछ अच्छे सेंटर स्थापित होंगे। जम्मू कश्मीर को तो लोगों ने लावारिस छोड़ दिया था भगवान भरोसे छोड़ दिया था देश को इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार देश के साथ किया था। बहन और भाइयों कांग्रेसियों के व्यवहार पर कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि इन्होंने पूरे देश को अपनी पपोती समझ करके उसको जब देश के ऊपर संकट आता था ये लोग देश छोड़कर के भाग जाते थे। किसी भी समय में आपने देखा होगा या डोडा का नरसंहार किसने नहीं देखा था। लेकिन बहनों और भाइयों अब हमारे पास वक्त आया है पिछले 10 वर्ष में जो कार्य किया है उसके परिणाम को हमें और बेहतर तरीके से सामने लेकर के आना है और इसके लिए तीसरी बार मोदी जी ने आपसे कार्यकाल मांगा है। मोदी जी तीसरी बार देश के अंदर भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए आपके पास आ रहे हैं और इसके लिए मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में आपके लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तीसरी बार आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं। बहन और भाइयों अपनी सहजता अपनी सरलता अपने व्यवहार कुशल से न केवल उन्होंने देश के अंदर बल्कि जो भी दायित्व उन्हें भारत सरकार ने सौंपा है पार्टी ने सौंपा है उसका बखूबी निर्वहन करने की जिम्मेदारी उन्होंने जिस तत्परता और जिस प्रतिबद्धता के साथ किया है वह अद्भुत है अभिनंदनीय है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि प्रतिनिधि आपने चुना उनके साथ संसद में हम लोग जब 2014 में साथ साथ सांसद थे तब भी मैं देखता था बहुत ही सहजता सरलता के साथ किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए इसके लिए वह उस समस्या के समाधान पर विश्वास करते थे। बहनों और भाइयों आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं आज देश आज जिस नए युग में प्रवेश किया है जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं यह सच है मोदी जी का नेतृत्व है मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। नए भारत के शिल्पी के रूप में मोदी जी का हर व्यक्ति सम्मान करता है। लेकिन बहनों और भाइयों मोदी जी के साथ साथ आपको भी इसका श्रेय जाता है क्योंकि मोदी जी को एक वोट देकर के आपने मोदी जी को देश की सत्ता सौंपी देश की बागडोर सौंपी मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी है तो परिणाम आज आपके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है भारत दुनिया की बड़ी ताकत भी बन रहा है सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी बन रहा है विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं गरीब कल्याणकारी योजना भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है। अगर जनता जनार्दन वोट ही न देती क्या हम उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य को संभाल पाते क्या। जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी यहां पर पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी किस तरीके से तबाही मचाए हुए थे लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार की अराजकता थी हर दूसरे दिन दंगा होता था कर्फ्यू लगता था महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों और भाइयों 7 वर्ष से मैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं और बहनों और भाइयों 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ वहां कोई दंगा नहीं है कर्फ्यू नहीं है बल्कि भगवान शिव की कावड़ यात्रा निकलती है धूमधड़ाके के साथ। लोग भूल गए कि कर्फ्यू भी कभी लगता था यहां पे। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां के धर्मस्थलों से जो माइक की चिल्लाहट होती सब उतर गया है समाप्त
अब वहां माइक की आवाज नहीं होती है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से विकास में विश्वास कर रहे हैं। विकास और आस्था को सम्मान किस रूप में होना है, अयोध्या उसका एक उदाहरण आपके सामने है, मथुरा वृंदावन उसका उदाहरण है। और बहनों और भाइयों, मैं तो आज अपने कठुआ के बहनों और भाइयों से ही कहूंगा, आपके यहां प्रथम चरण में चुनाव है, चुनाव के बाद पदाधिकारी अन्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाएंगे, देश के अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों को फिर अयोध्या के दर्शन के कार्यक्रम जरूर बनाने चाहिए। बनाइए, हमें पहले से बता देना। आज अयोध्या में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। जो पहले आज से 7 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले अयोध्या गया होगा वो थोड़ा संकोच कर रहा होगा, अब अयोध्या बदल गई है। जैसे कठुआ में 6 लेन के एक्सप्रेसवे आ रही है ना, ऐसे अयोध्या के अंदर भी हम लोगों ने ऐसे एक्सप्रेसवे बना दी है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत संकोच नहीं करते हम लोग, बहनों और भाइयों कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं, लटका देते हैं उसको और बोल देते हैं कि बचाओ। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है, फिर सारी भोंभो अपने आप ठीक हो जाती है उन लोगों की। और इसलिए बहनों भाइयों आज हम आए हैं नए भारत के निर्माण के लिए। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है और तीसरे कार्यकाल के लिए तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। उधमपुर में फिर से तीसरी बार कमल खिलाना है। आप सब सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं, माताएं बहनें भी सब लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। लोकतंत्र तो आपका है, लोकतंत्र के जनार्दन आप ही हैं और लोकतंत्र में तीसरी बार आपको ने फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और यह अवसर आपके लिए होगा कि उन्होंने 10 वर्ष में जिस निष्ठा के साथ काम किया है, चुनाव एक अवसर होता है 5 वर्ष में अपने जनप्रतिनिधि की सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, कि उन्होंने कार्य किया है व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठ करके मूल्य और सिद्धांतों के लिए राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए हम लोग कार्य करेंगे। और इस दृष्टि से उन्होंने जिस निष्ठा के साथ काम किया नितेंद्रेव अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और इसलिए आज मुझे स्वयं उत्तर प्रदेश से यहां आना पड़ा है, आपके पास आना पड़ा, आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि उन्होंने जिस मजबूती के साथ काम किया उसको ध्यान में रखते हुए भारी बहुमत से उन्हें विजयी बना करके एक बार फिर से यहां पर कमल के फूल को खिलाने की कार्रवाई आप फिर से करिए। और जो आवाज देश की है, एक ही आवाज पूरे देश के अंदर गूंज रही है। मैं भी महाराष्ट्र गया था परसों, उसके एक दिन पहले मैं राजस्थान में था। उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीट अकेले उत्तर प्रदेश में है और हर ओर एक ही आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, और अब की बार 400 पार के लिए सहमत है ना? देखो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चुनाव जीतेंगे किसी को संदेह नहीं, लेकिन चुनाव में बढ़त इतनी होनी चाहिए कि उनको भी यहां की शेष परियोजनाओं के लिए उतनी ही ताकत मिल सके। जनप्रतिनिधि ये कहता है ना, बाद में सांसद ये कहता है कि भाई देखो जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब तो इस कार्य को मुझे यहां कराना ही कराना है और उस कार्य के लिए बढ़त इतनी आप दीजिए। आप सब करेंगे, सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं तो मेरे साथ फिर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
जी सबका धन्यवाद करेंगे। अभिनंदन जी, भारत माता की, भारत माता की। मैं जहां है हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी का तह दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये जो जेके यूटी प्रवेश द्वार में वो आए, पूरी कठुआ की ओर से मैं उनका तह दिल से धन्यवाद करता हूं। जितने भी हमारे माननीय जहां है मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और जितनी भी हमारी जनता जनार्दन जहां आई मैं सबका तह दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। योगी जी का जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी का जय श्री राम, योगी जी का जय श्री राम, योगी जी का जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी 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 योगी, मैं आगे की आज की कार्रवाई शुरू करो। हम सब के बीच में जिस घड़ी का, जिस शख्सियत का इंतजार था वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर निवासियों की तरफ से और विशेष करके कठुआ निवासियों की तरफ से आदरणीय योगीराज जी महाराज का इस कठुआ की पवन धरती पर स्वागत करता हूं, और मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने अपने योग में जीवन से अमूल्य समय निकालकर आपने राजनीति में प्रवेश किया। ये मैं नहीं, ईश्वर की आज्ञा है। वेदों में ईश्वर ने कहा कि योगी का धर्म है, योगी का कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। योगी का कर्तव्य है कि अगर शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े राष्ट्र और समाज के लिए, तो योगी का यही कर्तव्य है। योगी जी का ये भी कर्तव्य है कि अगर देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण के लिए अगर राजनीति में प्रवेश करना पड़े, तो वो कर्तव्य भी योगी जी का है। और ऐसे योगी महाराज हमारे बीच में इस कठुआ की धरती पर पहली बार आए हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, आगे वालों से, पीछे वालों से, कि ताड़ी के गड़गड़ाहट से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय योगी जी का स्वागत करें। हाँ, मैं निवेदन करूंगा माननीय हमारे सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर डोगरा पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी से कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। बचोली के जिलाध्यक्ष दर्शन जी, मेरा निवेदन रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष रविंदर हैदरा जी को डोगरी पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं अपने सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले आज माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं, तो एक वाक्य शेर मैं निवेदन करूंगा कि जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी मंच पर आए अपने स्वागत भाषण के लिए। धन्यवाद राजीव जी। आज का ये दिन मुझे लगता है कि कठुआ की धरती के लिए और स्पेशली मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जिला प्रमुख होने के नाते आज बहुत बड़ा क्षण जो है मेरे जीवन के और आज सभी कठुआ के निवासियों के लिए है।
मुझे पार्टी की तरफ से आदरणीय योगी जी का आदर मान सम्मान के लिए उनका अभिनंदन करने के लिए मुझे यह मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को कठुआ कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी मातृशक्ति और जितने भी नौजवान साथी, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत स्वागत हम लोग करते हैं। उनके साथ हमारे यहाँ के सांसद एवं तीसरी बार हमारे यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एक बार इनका भी हम लोग यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंदर रैना साहब, जिनकी वजह से आज ये पूरा जनसमूह जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से आज ये सारा पंडाल और पूरा कठुआ यहाँ पर आया हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत स्वागत हम लोग करते हैं। आदरणीय अशोक जी का और मंच पर जितने भी हमारे सभी बड़े नेतागण, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी कठुआ निवासी जहाँ पर आए हुए मातृशक्ति नौजवान साथी, मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग इस क्षण का, इस पल का इंतजार कर रहे थे। सड़कों पे भी लोग हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पर और आदरणीय योगी जी पर यह जनता जो है बहुत बड़ा विश्वास करती है। एक बार फिर से पुनः मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कठुआ की धरती पर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय हमारे प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूं। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मैं एक वाक्य बताना चाहता हूं कि जब हम 14 में चुनाव में थे तो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे को लगता है कि कठुआ के लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमारे पक्ष में है। तो इन्होंने तब एक वादा किया था कि अगर कठुआ ने मन बनाया है तो कोई ताकत नहीं कि हमें कहीं यहाँ से जिता कर ना भेजे। मगर इन्होंने कहा है और कठुआ ने मन बनाया है, मेरा वादा है कि कठुआ न्यूक्लियस रहेगा। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में माननीय मुख्यमंत्री साहब, डॉक्टर साहब ने हमें मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें शापरकंडी देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देने का काम किया, विशेष रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे कार्य किए हैं। ऐसे डॉक्टर साहब को जब मैं आमंत्रित करूं, मैं एक नारा लगाऊंगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कठुआ की इस पावन धरती पर, शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि पर, सावा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह की कर्म भूमि पर, हिंदुस्तान के मकबूल तरीन नेता, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हम सबके दिलों की धड़कन माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का मैं नमन करके, प्रणाम करके, सिर झुका करके स्वागत करता हूं अपनी तरफ से, कठुआ वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मुझे आपके आगे व्यक्तिगत आभार प्रकट करना है। मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, उत्तर प्रदेश में भी पहले फेज का चुनाव है, आपका समय वहां भी मांगा जा रहा है, लेकिन इन सब कठुआ वासियों के आग्रह पर मेरे मात्र एक फोन कॉल करने पर आपने अपनी स्वीकृति दी, इसका आभार हम बड़े लंबे समय तक याद रखेंगे, हम ऋणी रहेंगे। महाराज जी, कठुआ की ये नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। कठुआ का इतिहास भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और दूसरी ओर आजाद हिंदुस्तान के इतिहास के साथ ओतप्रोत है। जिस स्थान पर हम इस समय बैठे हैं, जिस समाधान पर आप विराजमान हैं, इससे कुछ ही मील की दूरी पर लगभग 70 वर्ष पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक प्रधान, एक विधान का आह्वान करके अपनी गिरफ्तारी दी थी और फिर गिरफ्तारी में ही उनका स्वर्गवास भी हो गया। डॉक्टर मुखर्जी की इस कुर्बानी ने राष्ट्रवाद की जो ज्वाला प्रज्वलित की, वो आगे चल करके भारतीय जनसंघ के दिए की रोशनी बनी और उसी ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को जन्म दिया। और इसीलिए 60-70 वर्ष
कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलों की सरकारें इस क्षेत्र की उपेक्षा करती रही, ये वंचित रहा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर हमारी राष्ट्रीय शाहपुर कंडी परियोजना थी सिंचाई की, जिसके द्वारा हमें अपने हिस्से का दरियाए रावी का पानी नसीब होना था, उसको भी रोक दिया गया। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक नया अध्याय आरंभ हुआ और आज 10 वर्ष के बाद इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देश की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिना जा रहा है। ये शायद मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें केंद्र के सहयोग से एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एशिया की सबसे लंबी रोड की सुरंग जरैली नाचनी भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोनों वंदे भारत, अनेकों नेशनल हाईवे, पावर प्रोजेक्ट, ये सब पिछले 10 वर्षों में हुआ। और ये इसलिए संभव हुआ कि हम पर मोदी जी का आशीर्वाद था। कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो हमारी अवहेलना हुई थी, उसकी पूर्ति इन 10 वर्षों में हुई है। और ये तभी संभव हुआ कि मोदी जी का आशीर्वाद था। और महाराज जी, आज आपके चरण यहां पड़ने से मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ हमें योगी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। योगी जी यहां के लोगों में महाराज जी के प्रति एक अजीबोगरीब किस्म की श्रद्धा है, वो आपको एक आदर्श मानते हैं। और जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है, उसका अक्सर उदाहरण देते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है, उसका उदाहरण देकर के उल्लेख करती हैं। और जहां पर मोदी जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 10 वर्ष के अंदर 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट निर्माण किए, वहां महाराज जी आपने उत्तर प्रदेश में उन टॉयलेट्स को इज्जत घर का नाम दिया और महिला को सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य और सम्मान भी दिया। और यही कारण है कि नारी शक्ति में मोदी जी को लेकर के, योगी जी को लेकर के एक अद्भुत उत्साह है। ये लोग विशाल संख्या में, ये जहां आप देख रहे हैं, ये सुबह से यहां बैठे हैं, आपके दर्शन को व्याकुल है, आपके बोल सुनने को बेचैन है। मुझे अधिकार नहीं मैं इस मंच पर बहुत देर तक खड़ा रहूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरे मान के साथ महाराज जी आपको आपके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई, मैं निवेदन करूंगा माननीय योगी जी को जय श्री। भारत माता की, भारत माता की, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की, बर्फानी बाबा की, माता त्रिपुर सुंदरी की, माता त्रिपुर सुंदरी की, शुक्राला माता की, शुक्राला माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और देश की प्रतिष्ठित उधमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
श्री रविंद्र रैना जी, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर डीके मनाल जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेश जसरोटिया जी, सुनील सेठी जी, जिला प्रभारी मुनीश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कठुआ से आए हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज इस पावन धरा को जो हमारे सभी आराध्य देवों के साथ ही ऋषि मुनियों की साधना की पवित्र भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले उन हुतात्माओं की भूमि है, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी की भूमि है, इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल से ही बासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हुई है। जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व हमारा यह सनातन समाज वर्ष में दो बार आदिशक्ति मां भगवती की उपासना करता है। याद करिए, ये शक्ति सृजन का अवसर होता है और ये नौ दिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए उसी शक्ति को अर्चित करने का एक अवसर है। मैं इस अवसर पर यहां की इन पवित्र स्थलों को माता त्रिपुर सुंदरी के पावन चरणों में, यहां के शुक्राला माता के श्री चरणों में और माता वैष्णो के इस धाम को कोटि कोटि नमन करता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह को भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के वे नारे एक बार फिर से गूंजते हुए दिखाई देते हैं कि जहां बलिदान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर यही इन्हीं वादियों में नारे गूंजे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था और बहनों और भाइयों, 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है,
क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है, आज आप देख रहे होंगे 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का संजाल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पूछिए इन लोगों से, जो लोग इस देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं, कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आखिर हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना और वह धर्म माना राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई भी आस्था होगी, कोई भी उपासना विधि होगी, लेकिन अगर वह राष्ट्र के मार्ग में बाधक है, मैं इसको दरकिनार करके रखता हूं और पहले कहता हूं कि मेरा देश रहना चाहिए। मेरे लिए मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश की संप्रभुता और इसकी अखंडता सर्वोपरि रखती है। और इसीलिए आज न केवल भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, अपितु बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे, अन्य दिनों में तो आप छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना कालखंड में पहली बार आपने देखा होगा, भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यानी दो ऐसे वैक्सीन दिए जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की अचूक दवा है, अचूक दवा। आपने देखा होगा सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट। 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया। और बहनों और भाइयों, 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा और अगले 5 वर्ष तक ये राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को, ये जो नया भारत है, बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति, कोई घुसपैठिए घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIT, IIM,
मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, बेहतरीन माहौल में भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। और यही नहीं, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखने के साथ ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। आप देखते होंगे न केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत के अंदर भी आप देखते होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को जनधन के अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, 10 करोड़ परिवारों को फ्री में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। बहन और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी बने हैं और 2.5 करोड़ घरों तक पहली बार बिजली पहुंचाने का काम भी हुआ है। इस प्रकार के अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज पिछले 10 वर्ष में उस कैबिनेट ने और उस सरकार ने किए हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और आपके सांसद उस सरकार के अभिन्न हिस्से हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस सरकार के हिस्से हैं। वह सरकार आज गरीब कल्याण का कार्य भी कर रही है। और तो और, कितना परिवर्तन आया है। इससे पहले लोग अपने आप को हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। और बहनों और भाइयों, अयोध्या का नाम लेने पे तो लोग डरते थे। मुझे याद है जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या चला गया। लोगों ने कहा, रे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, रे क्यों? कहा कि अयोध्या जाने से आपको मालूम है तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी आस्था के साथ और जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर दूं क्या? ये वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता है। हमने कहा, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारी करो। और बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हो जाता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती क्या? बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था? राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है, बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा। अयोध्या में लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या यहां उतर आया है, साक्षात उतर आया है। जब अच्छी सरकार आती है तो यही होता है। अच्छी सरकार आती है यही होता है। काशी में आप जाइए, काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। लोग बोलते थे काशी विश्वनाथ धाम संकरी गली थी, बामुश्किल 5 लोग जा पाते थे। आज 50,000 श्रद्धालु भी एक समय वहां आ जाए मंदिर परिसर में, कोई समस्या नहीं है। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह कार्य भी आज देखने को मिल रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, जीविका की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, यह कार्य भी आज देश के अंदर बखूबी आगे बढ़ रहा है। और बहनों और भाइयों,
यही नहीं, हमें सुरक्षा भी करनी है और देश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक भी लेके चलना है। इस पर जो कार्य वर्तमान में हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा देश इस बात को जानता है। आपने देखा होगा ये देश सब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, देश उत्साह के साथ जुड़ा हुआ था और उत्साह को और दुगना कर दिया था जब जो ब्रिटेन लगभग 200 वर्षों तक जिस भारत में शासन किया था उस ब्रिटेन को पछाड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और आज तो हम इसीलिए आए हैं, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास अपनी बात कहने के लिए, कोई जाति की बात करेगा, कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई भाषा की बात करेगा, कोई किसी अन्य बात की बात करेगा, हमें किसी बात में नहीं पूछना है। बहुत खोया है, अब पाने का समय आया है, अपने देश को मजबूत करने का समय आया है, कठुआ को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए उज्ज्वल भविष्य देना है। और इसके लिए आवश्यक है जो कार्य यहां पे पिछले 10 वर्ष के अंदर, मैं सचमुच चौंका था जब मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा था यहां का विकास किस तरीके से, कोई सोचता था यहां भी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, यहां भी मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यहां पे प्रौद्योगिकी संस्थान बनेंगे, यहां पे कुछ अच्छे सेंटर स्थापित होंगे। जम्मू कश्मीर को तो लोगों ने लावारिस छोड़ दिया था, भगवान भरोसे छोड़ दिया था, देश को इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार देश के साथ किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेसियों के व्यवहार पर कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को अपनी पपोती समझ करके उसको जब देश के ऊपर संकट आता था ये लोग देश छोड़कर के भाग जाते थे। किसी भी समय में आपने देखा होगा, या डोडा का नरसंहार किसने नहीं देखा था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब हमारे पास वक्त आया है, पिछले 10 वर्ष में जो कार्य किया है उसके परिणाम को हमें और बेहतर तरीके से सामने लेकर के आना है। और इसके लिए तीसरी बार मोदी जी ने आपसे कार्यकाल मांगा है। मोदी जी तीसरी बार देश के अंदर भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। और इसके लिए मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में आपके लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तीसरी बार आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपने व्यवहार कुशल से न केवल उन्होंने देश के अंदर बल्कि जो भी दायित्व उन्हें भारत सरकार ने सौंपा है, पार्टी ने सौंपा है, उसका बखूबी निर्वहन करने की जिम्मेदारी उन्होंने जिस तत्परता और जिस प्रतिबद्धता के साथ किया है वह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि प्रतिनिधि आपने चुना, उनके साथ संसद में हम लोग जब 2014 में साथ साथ सांसद थे तब भी मैं देखता था बहुत ही सहजता सरलता के साथ किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए इसके लिए वह उस समस्या के समाधान पर विश्वास करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, आज देश आज जिस नए युग में प्रवेश किया है, जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, यह सच है मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। नए भारत के शिल्पी के रूप में मोदी जी का हर व्यक्ति सम्मान करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी के साथ साथ आपको भी इसका श्रेय जाता है, क्योंकि मोदी जी को एक वोट देकर के आपने मोदी जी को देश की सत्ता सौंपी, देश की बागडोर सौंपी, मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी है, तो परिणाम आज आपके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, भारत दुनिया की बड़ी ताकत भी बन रहा है,
सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी बन रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजना भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है। अगर जनता जनार्दन वोट ही न देती, क्या हम उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य को संभाल पाते क्या? जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, यहां पर पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी किस तरीके से तबाही मचाए हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार की अराजकता थी, हर दूसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों और भाइयों, 7 वर्ष से मैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, और बहनों और भाइयों, 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, वहां कोई दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ। लोग भूल गए कि कर्फ्यू भी कभी लगता था यहां पे। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां के धर्मस्थलों से जो माइक की चिल्लाहट होती सब उतर गया है, समाप्त। अब वहां माइक की आवाज नहीं होती है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से विकास में विश्वास कर रहे हैं। विकास और आस्था को सम्मान किस रूप में होना है, अयोध्या उसका एक उदाहरण आपके सामने है, मथुरा वृंदावन उसका उदाहरण है। और बहनों और भाइयों, मैं तो आज अपने कठुआ के बहनों और भाइयों से ही कहूंगा, आपके यहां प्रथम चरण में चुनाव है, चुनाव के बाद पदाधिकारी अन्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाएंगे, देश के अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों को फिर अयोध्या के दर्शन के कार्यक्रम जरूर बनाने चाहिए। बनाइए, हमें पहले से बता देना। आज अयोध्या में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। जो पहले आज से 7 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले अयोध्या गया होगा वो थोड़ा संकोच कर रहा होगा, अब अयोध्या बदल गई है। जैसे कठुआ में 6 लेन के एक्सप्रेस वे आ रही है ना, ऐसे अयोध्या के अंदर भी हम लोगों ने ऐसे एक्सप्रेस वे बना दी है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत संकोच नहीं करते हम लोग। बहनों और भाइयों, कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं, लटका देते हैं उसको और बोल देते हैं कि बचाओ। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है, फिर सारी भौंभो अपने आप ठीक हो जाती है उन लोगों की। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम आए हैं नए भारत के निर्माण के लिए। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, और तीसरे कार्यकाल के लिए तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। उधमपुर में फिर से तीसरी बार कमल खिलाना है। आप सब सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? माताएं बहनें भी सब लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। लोकतंत्र तो आपका है, लोकतंत्र के जनार्दन आप ही हैं, और लोकतंत्र में तीसरी बार आपको ने फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और यह अवसर आपके लिए होगा कि उन्होंने 10 वर्ष में जिस निष्ठा के साथ काम किया है, चुनाव एक अवसर होता है 5 वर्ष में अपने जनप्रतिनिधि की सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, कि उन्होंने कार्य किया है व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठ करके मूल्य और सिद्धांतों के लिए राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए हम लोग कार्य करेंगे। और इस दृष्टि से उन्होंने जिस निष्ठा के साथ काम किया, नितेंद्रीय अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और इसलिए आज मुझे स्वयं उत्तर प्रदेश से यहां आना पड़ा है, आपके पास आना पड़ा, आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि उन्होंने जिस मजबूती के साथ काम किया उसको ध्यान में रखते हुए भारी बहुमत से उन्हें विजयी बना करके एक बार फिर से यहां पर कमल के फूल को खिलाने की कार्रवाई आप फिर से करिए। और जो आवाज देश की है, एक ही आवाज पूरे देश के अंदर गूंज रही है। मैं भी महाराष्ट्र गया था परसों,
उसके एक दिन पहले मैं राजस्थान में था, उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीट अकेले उत्तर प्रदेश में है और हर ओर एक ही आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, और अब की बार 400 पार के लिए सहमत है ना। देखो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चुनाव जीतेंगे किसी को संदेह नहीं, लेकिन चुनाव में बढ़त इतनी होनी चाहिए कि उनको भी यहां के शेष परियोजनाओं के लिए उतनी ही ताकत मिल सके। जनप्रतिनिधि ये कहता है ना, बाद में सांसद ये कहता है कि भाई देखो जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब तो इस कार्य को मुझे यहां कराना ही कराना है और उस कार्य के लिए बढ़त इतनी आप दीजिए। आप सब करेंगे, सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं? तो मेरे साथ फिर बोलेंगे भारत माता की वंदे। जी सबका धन्यवाद करेंगे।